बुधवार को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गुरु की पूजा की गई। गुरु पूर्णिमा पर्व को देश में काफी धूमधाम और श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। इस पर्व की खास मान्यता है कि आज के दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था और उनकी स्मृति में आज के दिन को व्यास जयंती के रूप में भी लोग मनाते हैं। गुरु को एक खास दर्जा प्राप्त है। एक गुरु हम सभी को नेक राह पर चलने का ज्ञान देता है, अच्छे बुरे के फर्क को समझाता है। आइए देखते हैं गुरु पूर्णिमा पर्व के महत्व के बारे में दुर्ग जिले के समाज सेवी बिल्डर्स एवं डेवलपर्स के चौहान के मुख से। नमस्कार दर्शकों, ग्रैंड एशियन की खास पेशकश में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दर्शकों, आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा पर आज हम अपने स्टूडियो में खास करके मीडिया प्रभारी कह सकते हैं भाजपा के दुर्ग जिला के या फिर समाज सेवी या फिर एक कुशल व्यवसायी, जी हाँ, केश चौहान जी की बात कर रही हूँ। आज इस खास मौके पर हमारे साथ वो हैं। और गुरु पूर्णिमा हम क्यों मनाते हैं, इसका महत्व क्या है और हमें कैसे गुरु चुनना चाहिए, इसे वो हम पर हमको बताएंगे इस बारे में। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपके सभी दर्शकों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सर, ऐसा एक दोहा है या कहावत भी कह सकते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, परिहारी गुरु आपनो गोविंद यो बताए। तो गुरु अगर सजदा या फिर शीर झुकाना हो तो हम सबसे पहले गुरुओं को ही उसको झुकाते हैं, अर्पित करते हैं, ऐसा क्यों? एक्चुअली गुरु गोविंदा दाऊ खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद यो बताए। इसका एक्चुअल में मीनिंग है वो हम कुछ दूसरा सोच लेते हैं कि भगवान कोई दूसरे होते हैं। एक्चुअली पहले भगवान को समझना जरूरी है कि भगवान होता क्या है। तो भगवान होता है भाग्यवान। अगर कोई भाग्यवान हो जाता है तो वो भगवान हो जाता है। जिसका भाग्य उदय हो जाता है वो भगवान उदय हो जाता है। और भाग्य को उदय करने का सबसे बड़ा माध्यम होता है गुरु। गुरु ही हमें भाग्यवान से मिलाता है, भाग्य से मिलाता है, भाग्य को ऊपर करता है और हम भगवान हो जाते हैं। हाँ, गुरु पूर्णिमा का महत्व और इसे हम क्यों मनाते हैं, इस पर प्रकाश डालेंगे। सनातन धर्म में चार जो त्यौहार होते हैं वो मेन होते हैं। जैसे चार वर्ण हैं, चार दिशाएं हैं, चार वैसे ही चार त्यौहार होते हैं, राखी, रक्षाबंधन, दिवाली, होली और गुरु पूर्णिमा। तो जैसे शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण होता है तो ब्राह्मणों का जो त्यौहार होता है वो गुरु पूर्णिमा होता है। एक्चुअली सनातन धर्म में सबसे बड़ा त्यौहार सनातनियों का, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार होता है गुरु पूर्णिमा। इस दिन गुरु से इंटरैक्ट हो, मतलब हम उनमें समा जाते हैं या गुरु हमारे में समा जाता है, हम दोनों एक हो जाते हैं। वो एक पद्धति भी होती है, जैसे मान लीजिए कि दीक्षा ले, दीक्षा जैसे लेते हैं तो गुरु पूर्णिमा वाले दिन दीक्षा ली जाती है। इसका मतलब कि आप मेरे हो गए, मैं आपका हो गया, इसलिए ये गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। और इसी दिन बहुत शादियाँ भी होती हैं, मांगलिक कार्य भी होते हैं। और ये जो दिन होता है वो मतलब कोई भी मांगलिक कार्य करने के लिए उपयुक्त होता है। गुरुओं की हम बात करें तो क्या सिर्फ शिक्षा देने वाला ही गुरु है या नेतृत्वों में अपना गुरु मान सकते हैं, गुरु बना सकते हैं? जी, गुरु तो आप एक YouTube से भी है, आपका गुरु मान लीजिए, मतलब शिक्षक तो जो होता है वो आपका गुरु वो भी होता है। और शिक्षक और गुरु में अंतर होता है। शिक्षक आपको पढ़ा देता है और गुरु जो होता है वो तब तक आपके साथ लगा रहता है जब तक आप सक्सेस ना हो जाए। गुरु आपकी कॉपी चेक करता है। मान लीजिए कि आपने, आपको क्वेश्चन दिया गया और आपने आंसर लिख दिया, तो आंसर जो होता है वो आंसर चेक कौन करेगा? आप चेक कौन करेगा? आपने, आपको ये पता कैसे चलेगा कि मैंने जो आंसर लिखा हुआ है वो कितना अच्छा है, कितना और मेरे को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? तो वो गुरु बताता है कि आपका, आप जो काम कर रहे हैं वो, उसको सुधारने का तरीका, उसको ठीक करने का तरीका, आपने क्या क्या गलतियां की हैं और आप कहां पर खड़े हैं, आपको और कहां जाना है,
आप जिस हिसाब से कॉपी चेक करना, सिर्फ यही नहीं होता है कि आपकी गलतियां को देखना और सुधार करना, इसका मतलब ये भी होता है कि आप कौन सी दशा में हैं अभी और आपको आगे क्या चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी कॉपी आपकी चेक कर रहा है तो आप मल्टीप्लिकेशन में थोड़े से डाउन, बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक चल रहा है, या आपकी कॉपी चेक के ये पता चलता है कि आपको कुछ कुछ चीज़ें याद नहीं रहती, तो गुरु इस चीज़ को पकड़ लेता है। उसका उसका काम सिर्फ नंबर देना नहीं, गुरु इस चीज़ को पकड़ लेता है और आगे वैसे ही आपको गाइड करता है जैसे कि आपने लिखा हुआ है, और आपको इम्प्रूवमेंट कैसे हो जाए वैसे वो चेक करते हैं और उसके हिसाब से वो आपको गाइड करते हैं। गाइड करने की बात थी गुरुओं की, अब एक बात ये है कि क्या गुरु ईगो तोड़ता है, कई बार सामने आता है। एक वर्ड है, एक वर्ड है, शब्द है द्विज। द्विज क्या होता है कि जैसे मुर्गी है या कोई भी है तो अंडा दे, ठीक है, अंडा आ जाता है, वो उसका पहला जन्म होता है। द्विज होता है दूसरा जन्म, किसी सभी चीजों का दूसरा जन्म होता है। तो अंडे से बाहर निकलना, उसको उसमें संघर्ष करता है, उसका जीव जो है वो संघर्ष करता है, संघर्ष करके वो बाहर निकलता है, तो वो उसका दूसरा जन्म होता है। वैसे ही इंसानों का भी दूसरा जन्म होता है, एक तो हम पैदा होते हैं और दूसरा जन्म होता है जब हमारे को गुरु मिलता है और वो हमारे को तैयार करता है, वो हमारे को इस काबिल बनाता है कि हम इंसान बन सकें, और इस काबिल बनाता है कि हम इच्छा से इच्छावर हो जो हो सके, जिसको ईश्वर बोलते हैं, भाग्य से भाग्यवान हो सके हम, तो भगवान तक जाने का सफर जो तय करवाता है वो गुरु करवाता है। हमें मैन टू सुपरमैन बनाता है। सुपरमैन क्या होता है? सुपरमैन भगवान की क्वालिटी है, जस्ट लाइक भगवान की क्वालिटी ही सुपरमैन। तो मैन टू सुपरमैन बनाने का जो सफर तय करवाता है, जो बनाता है, वो गुरु करवाता है। इसीलिए गुरु के पहले चरण स्पर्श करने पड़ते हैं, तब जाके हम भगवान से साक्षात्कार होते हैं, मैन टू सुपरमैन बनते हैं। ये ईगो तोड़ने की बात जो आ रही थी, तो गुरु जो है, जो अंडा होता है, अंडा जो होता है हम उसको एग बोलते हैं, तो एग शब्द से ही ईगो बना है, एग शब्द से ही ईगो बना है। अगर हम उसी अंडे में रह रहे हैं, अगर हमारी मानसिकता उतनी ही है, अगर मान लीजिए कि आपको कोई गुरु नहीं मिलता है, मान लीजिए कि एक बहुत ही अच्छा आलीशान स्कूल है, बहुत आलीशान है, और उसमें बहुत ही अच्छे ब्लैक बोर्ड्स हैं, बहुत ही अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर है, बच्चे जाए गए हैं, बैठ गए हैं, और वहाँ पर अ ब स लिखा हुआ, 1 2 3 लिखा हुआ है ब्लैक बोर्ड। अब उसको कोई बताने वाला नहीं है कि ये अ ब स 1 2 3 लिखा हुआ है। साल भर पाएंगे बच्चे, बैठेंगे, उसको देखेंगे, क्या वो जान सकते हैं कि ब्लैक बोर्ड क्या लिखा है? सालों साल नहीं जान सकते, सालों साल। जब तक आप गुरु उसको बता ना दे कि ये अ है, ये वाली जो लकीर है वो 1 है या 2 है, 3 है, जब तक बच्चों को ये पता नहीं चल सकता। ये गुरु का महत्व है। और उसके बाद क्या होता है कि ईगो क्या होता है? ईगो ये होता है कि जैसे जैसे हम समझदार होते जाते हैं, जैसे जैसे हम बहुत सारी चीज़ों को जानने लग जाते हैं, जैसे जैसे हम जागरूक होने लग जाते हैं, वैसे वैसे हमको ये पता चलता है कि हम कुछ भी नहीं। जितना ज़्यादा इंसान जागरूक होता है उतना ही उसको ये पता चलता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, और जितना कम हम जागृत रहते हैं या कुछ हमारे को मालूम नहीं रहता है, तो उतना ही वो इंसान अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। जैसे मान लीजिए कि एक गांव है, छोटा सा एक गांव है, और एक बिल्डिंग है वहाँ, ठीक है, एक बिल्डिंग है, तो उस बिल्डिंग में मतलब 3 माले की बिल्डिंग है, 3 माले की बिल्डिंग है, और बाकी सबके जो भी हैं, अब वो कभी बाहर गया नहीं,
अब ये मान लीजिए कि वो अंडा है, ईगो है, अंडा अंडाकार का गांव है, वो उस अंडे से, वो उस ईगो से बाहर भेज गया, वो ये अपने आप को क्या समझेगा कि मैं सबसे बड़ा। लेकिन जैसे ही एक वहाँ पर गुरु आता है या कोई इंसान आता है, वो बताता है कि आप थोड़ा मेरे साथ चलिए, इसके बाहर भी दुनिया, बाहर भी दुनिया, तो वो कोई किसी शहर में लेके जाता है, तो वहाँ पर जाके देखता है कि सात सात माले की बिल्डिंग है, मैं तो मतलब इनके सामने कुछ भी नहीं, ठीक है। फिर गुरु उससे भी ऊपर बाहर लेके जाता है, तो वहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग देखता है, फिर गुरु विदेश में भी लेके जाता है, तो वहाँ पर जैसे जैसे वो जागरूक होते जाता है, वैसे वैसे उसको अपनी जो दशा है, अपनी मतलब मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो अपनी खुद की औकात होती है, वो पता चलते जाते हैं। जैसे जैसे हम जागरूक होते जाते हैं, वैसे वैसे हमें पता चलता है कि हम कुछ भी नहीं है, एक हिस्सा है मात्र इस प्रकृति, जैसे एक पेड़ पत्ता है वैसे ही हम भी हिस्सा हैं, लेकिन हम अपने आप को इतना बड़ा महसूस करते हैं कि हम बहुत बड़े हैं। तो उसके लिए, वो ईगो को तोड़ने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। अगर गुरु का चयन करना है तो कैसे गुरु चुनना चाहिए? देखिए, गुरु कृष्ण भी था और गुरु शकुनी भी था, और ऐसा नहीं कि शकुनी सब चीज़ें नेगेटिव ही बताता था दुर्योधन या दुर्योधन के भाइयों, ऐसा नहीं, शकुनी बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी बताता था, लेकिन हम जैसे होते हैं, हम जैसे होते हैं वैसे ही हम उस चीज़ को ग्रहण करते हैं। इसीलिए क्या होता है कि देखिए, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, गुरु में वहाँ पर जो है, वहाँ पर ज़्यादा भीड़ रहती है, गुरु के पास आदमी कम जाता है। वहाँ पर अब जैसे आप किताब खोल के देखें तो वहाँ पर आपको ये बताया जाएगा कि ये अच्छी जगह, अच्छी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है, लेकिन आपकी गलतियों को सुधारा नहीं जाएगा। हम किस हिसाब से सोच रहे हैं उस चीज़ को, गीता को कोई भी इंसान अगर पढ़ता है तो उसमें वही ग्रहण करता है जो उसकी खुद की मानसिकता है। जैसे जैसे हम गीता दोबारा पढ़ने दोबारा पढ़ते हैं, फिर बार बार पढ़ते हैं, फिर और पढ़ते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि हम गीता में कुछ और सीख रहे हैं, या कोई भी किताब, जैसे जैसे हमारी मानसिकता बढ़ते जाती है तो हम वैसे वैसे हम उस किताब से और सीखते जाते हैं। लेकिन गुरु क्या करता है, गुरु हमारे को बताता है कि आपको कैसे पढ़ना है, हमारे को करेक्ट करता है, करेक्शन करने का काम करता है तत्काल। उसमें क्या है कि जिसका बहुत ज़्यादा ईगो रहता है, वो हो सकता है कि गुरु से अलग भी हो जाए, लेकिन अगर मान लीजिए कि गुरु कुछ बोल रहा है, डांट रहा है, आपको मार रहा है, तो वो आपकी ही भलाई के, और गुरु तब तक ही आपको डांटता है जब तक आप उसकी डांट खाने के सहन के लायक हैं, उसके बाद आपको और ज़्यादा निखार आता है, आप और डांट खाते जाइए, आपने और उसके बाद अलग मत होइए। अगर आप अलग हो जाएंगे डांट खाने के बाद, तो आप में निखार का जो एक जो प्रोसीजर हो रहा है वो रुक जाए, लगे रहिए गुरु के साथ, गुरु आपके लिए, और आपकी जो तरक्की है वही उसकी गुरु दक्षिणा है। चौहान सर, आज गुरु पूर्णिमा है और इस लक्ष्य में आप हमारे साथ में हैं, इस पाश्चात्य पद्धति को अपनाते हुए आजकल के युवा वर्ग हुआ या अन्य जो भी छोटे बच्चे में हैं, वो गुरु पूर्णिमा के महत्व को भूलते ही जा रहे हैं, तो ग्रैंड एशियन न्यूज़ के माध्यम से आप एक जागरूकता रूपी या फिर अपील या फिर संदेश दे दें कि युवा और दिग्भ्रमित ना होते हुए गुरु पूर्णिमा के महत्व को समझें। देखिए, गुरु के बिना हम कुछ नहीं। एक छोटा सा किस्सा आपको बताना चाहूँगा कि एक इंसान पूरी दुनिया में गुरु ढूंढ रहा था, उसको पता चला कि गुरु नानक देव जी एक बहुत बहुत बड़े गुरु हैं, वो बहुत जाता है, उनकी सभा में बैठता है,
सभा ख़त्म हो जाती है तो वो गुरु नानक देव जी उसको बुलाते हैं, बोलते हैं क्या बात है, कहाँ से आप नए दिख रहे हो? तो बोले हाँ, मैंने पूरी दुनिया का भ्रमण किया है, मुझे कोई गुरु मिला नहीं, मैं गुरु ढूंढ रहा हूँ। तो गुरु नानक देव जी से वो बोलते हैं कि आप मेरे को बहुत अच्छे लगे, मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जैसे आपके गुरु कौन हैं, आपको किसने सिखाया, या जीसस को किसने सिखाया होगा, या मोहम्मद को किसने सिखाया होगा, या राम को किसने सिखाया होगा, कृष्ण को किसने सिखाया होगा? तो गुरु नानक देव जी हंसते हैं और वो बोलते हैं कि मेरे गुरु आप हो, मैं आपसे भी कुछ सीखता हूँ, मैं इस पेड़ पत्तियों से भी सीखता हूँ, मैं सभी चीज़ों से सीखता हूँ, झरने से भी सीखता हूँ, हर इंसान हर किसी से भी सीख सकता है। अभी अगर मान लीजिए कि आपके यहाँ प्लम्बर आता है तो वो भी आपका गुरु है, क्योंकि उस क्षेत्र में वो आपसे ज़्यादा जानता है। अगर उस क्षेत्र की आपको कोई नॉलेज देनी है तो उसी से ले सकते हैं। हम परफेक्ट किसी भी चीज़ में नहीं होते, हर चीज़ में नहीं होते, किसी किसी चीज़ में हो सकते हैं। तो गुरु बनाना मेन नहीं होता, शिष्य बनना खुद मेन होता है। और गुरु आपको नहीं सिखा सकता, कभी नहीं सिखा सकता, शिष्य सीखता है गुरु से हमेशा। और जितने हम अच्छे शिष्य बनते जाएंगे, हम गुरु का महत्व, गुरु हमारे लिए क्या है, वो हम बिल्कुल जानते रहेंगे और हम खुद जागरूक होते रहेंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु पूर्णिमा पर, हमें इतनी अच्छी बातें बताई, गुरुओं का महत्व बताया। तो दर्शकों, ये थे केश चौहान जी गुरु पूर्णिमा पर, अपने बहुत अच्छे विचार हमारे साथ उन्होंने साझा किए, गुरुओं का महत्व बताया और युवाओं में ये जागरूकता लाने की कोशिश की कि गुरु पूर्णिमा के महत्व को समझें, अपने गुरुओं को पहचानें और अच्छे शिष्य बने। नमस्कार।